Asus Zenfone Max Pro M1 6GB. जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक फुल रिव्यू Asus Zenfone Max Pro M1 6GB वेरिएंट का। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, 3GB वेरिएंट ऑलरेडी मेरे पास था, 6GB वेरिएंट जो है मुझे कंपनी ने भेजा था एज अ रिव्यू यूनिट, जो कि हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं कंपनी का कि उन्होंने जो है हमें रिव्यू यूनिट भेजा था। तो दो हफ्ते दोस्तों मैंने यूज़ किया 6GB वेरिएंट को दोस्तों, तो ओवरऑल जो फुल रिव्यू मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ पार्ट्स में, आपको अलग अलग पार्ट्स में बताऊँगा अपना ये फुल रिव्यू दोस्तों। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। अगर अच्छी लगे वीडियो तो जरूर से लाइक शेयर कर देना, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल आइकन भी दबा देना। तो बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं अपना फुल रिव्यू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो प्राइसिंग है वो है दोस्तों 15,000 रुपये, और ये फोन जो है उस टाइम लॉन्च हुआ था जब टक्कर देनी थी रेडमी नोट 5 प्रो को, जिस टाइम जो है रेडमी नोट 5 प्रो ने जो है पूरी मजबूती बना रखी थी पूरी मार्केट पे, उस टाइम इसने जो है कड़ी टक्कर दी थी Redmi Note 5 Pro को दोस्तों। हालांकि थोड़ा सा पुराना है बट जो है अभी भी काफ़ी दम रखता है, तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसका जो है फुल रिव्यू दोस्तों। पहला जो पार्ट है हमारे फुल रिव्यू का वो है दोस्तों इसका ओवरऑल डिज़ाइन, बहुत ही सिंपल और सोबर डिज़ाइन है दोस्तों। और जो है साथ ही साथ आपको बता दूँ कि रियर वाली साइड, जैसे कि आपको Redmi Note 5 Pro में कैमरा बम्प देखने को मिलता था, यहाँ पर आपको कैमरा बम्प बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है बैक वाली साइड, और आपको ये एक तरीके से फुल विजन डिस्प्ले में ये फोन जो है वो मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो अगला जो पार्ट है वो हमारा डिस्प्ले ही है। डिस्प्ले की अगर बात करें दोस्तों तो वो आपको मिलती है 5.99 इंच की, आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है इसमें 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में, 2.5D कर्व्ड ग्लास आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके जो व्यूइंग एंगल्स है वो काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, और ओवरऑल जो कलर क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों इसमें। तो ये बात हो गई डिस्प्ले की, अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में दोस्तों मैंने दो चीज़ें जो हैं वो काउंट की हैं। एक तो सबसे पहले इसका प्रोसेसर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 636, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। साथ ही साथ आपको एड्रीनो 509 GPU देखने को मिलता है इस फ़ोन में, और साथ ही साथ अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की भी इसी पार्ट में दोस्तों, तो आपको जो है स्टॉक एंड्रॉयड ये फ़ोन मिलता है, प्योर स्टॉक एंड्रॉयड का आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। एंड्रॉयड 8.1 ओरियो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। काफ़ी बटरी स्मूथ आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है दोस्तों इस फ़ोन में, क्योंकि आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड 8.1 ओरियो दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कैमरा पार्ट की। मेन चेंजेस दोस्तों आपको इसी पोर्शन में देखने को मिली थी, 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों इसमें, जबकि जो पहले वाला वेरियंट था 3GB वाला और 4GB वेरिएंट, उसमें जो है आपको फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों। बात करूं इसके रियर डुअल कैमरा की, वहां पे भी आपको एडवांस 16+5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है एपर्चर f2.0 के साथ दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 4K वीडियोस का सपोर्ट भी आपको मिलता है, 4K वीडियोस भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो इसमें। और यहाँ पे मैं आपको कुछ फोटो सैंपल्स और वीडियो सैंपल्स दिखा देता हूँ जो मैंने जो है क्लिक किए हैं दोस्तों। फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा के साथ जो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की वो मुझे जो है काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों, फ्रंट वाला जो कैमरा है उससे वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। साथ में आपको कुछ फोटो सैंपल्स भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों। दोस्तों बाकी चीज़ों का तो पता नहीं, बट आज ये पता चल गया कि Max Pro M1 6GB वेरिएंट का ये जो फ्रंट कैमरा है प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन में कितना बढ़िया काम करता है, और कितने अच्छे आपको जो कलर्स हैं वो देता है। ये जो लाइटिंग है मैं आपको पहले भी बताया कि सनरेज से आ रही है, क्योंकि ऊपर सारा जो है वो ट्रीज़ हैं, तो जहाँ जहाँ से भी सनरेज को जो है वो जगह मिलती है तो उसी हिसाब से जो है लाइटिंग आती है फेस पे, तो क्लैरिटी जो है वो काफ़ी अच्छी आती है इसमें। इमेज जो है ऐसे लगता है कि बिल्कुल ऑल ओवर आपके सामने ही चल रहा हो सब कुछ। तो आपको मैं अगर साइड से भी दिखाऊं दोस्तों, चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो वो है दोस्तों स्टोरेज। स्टोरेज की बात करें तो आपको 64GB की मेमोरी तो आपको इसमें देखने को मिलती है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे दोस्तों ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आप दो डुअल सिम के साथ अपना मेमोरी कार्ड भी यहाँ पे लगा सकते हो, ट्रिपल स्लॉट का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऐसे में आप जो है अपने फ़ोन की जो है ओवरऑल स्टोरेज जो है वो बढ़ा सकते हो दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ सिक्योरिटी पार्ट की। तो सिक्योरिटी बेसिस पे अगर हम देखें तो आपको जो है दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो आपको फेस अनलॉक मिलता है, आप अपने फेस के थ्रू जो है फ़ोन अनलॉक कर सकते हो दोस्तों। दूसरा जो है आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, आप जो है अपने फिंगर के साथ जो है इसको अनलॉक कर सकते हो। पहले जो है शुरू के टाइम में जो है हल्का लैग देखने को मिलता था, बट जो है अभी कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद जो है आपको ये चीज़ का सामना नहीं करना पड़ रहा है दोस्तों। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है इसका काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, साथ ही साथ इसका जो फेस अनलॉक है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अपने लास्ट पार्ट की, जो कि है इसका बैटरी। इसमें दोस्तों आपको मैसिव बैटरी देखने को मिलती है 5000 mAh की। जी हाँ, 5000 mAh की आपको इसमें
में बैटरी देखने को मिलती है। और एक चीज़ आपको जो है विश्वास नहीं होगा कि 5000 mAh की बैटरी के बाद भी इस फ़ोन का जो है वेट वो काफ़ी कम रहता है। Redmi Note 5 Pro जिसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है और Asus Zenfone Max Pro M1 जिसमें आपको 5000 की बैटरी भी देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट उनका जो वेट है वो बिल्कुल बराबर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने जो है उसको किस हिसाब से जो है वो मैनेज किया होगा। दोस्तों इसके बाद कुछ कॉन्स की बात कर लें तो जो कुछ कॉन्स मैंने जो फील किए हैं, सबसे पहले तो दोस्तों इसका जो ओवरऑल जो कैमरा का जो लेआउट है, जो कैमरा का जो GUI है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब जो नॉर्मल एक होना चाहिए मतलब इस रेंज के फ़ोन में, तो उस हिसाब का वो मुझे नहीं लगा। और काफ़ी और जो व्यूअर्स हैं या फिर और रिव्यूअर्स हैं उनको भी नहीं अच्छा लगा दिखने का। दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं एक और चीज़ की, 4K वीडियोज़ का आपको सपोर्ट तो यहाँ पर मिलता है बट यहाँ पर आपको दोस्तों स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करने का यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है। और एक हल्का सा कौन जो है जो मुझे लगता है दोस्तों वो हालांकि कौन नहीं है बट मुझे लगता है क्योंकि 5000 mAh की बैटरी है तो टाइप सी का जो है वो सपोर्ट होना चाहिए था, क्योंकि चार्जिंग के टाइम जो है काफ़ी टाइम लग जाता है, 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं इस फ़ोन को दोस्तों चार्ज करने में। तो यहाँ पे जो है टाइप सी का सपोर्ट भी होना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट प्राइस पॉइंट को देखते हुए जो है इसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये था मेरा ओवरऑल फुल रिव्यू Asus Zenfone Max Pro M1 6GB वेरिएंट का। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल आइकन भी दबा देना, तभी आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।